इस राक्षसी ने ही राजकुमार की हत्या की। नहीं, मैंने इसकी हत्या नहीं की, मेरा विश्वास करो। इसे महाराज के पास ले चलेंगे। महाराज, इसने राजकुमार के आभूषणों की चोरी की है, राजकुमार की हत्या की है। इसका शरीर धड़ से अलग किया जाए। दास, यजमान आप? हीरे जवाहरात और आभूषणों के लिए इस हत्यारिन ने राजकुमार की हत्या कर दी है। राजा की आज्ञा है कि इस स्त्री का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो हत्यारिन है। ले आओ उसे। ये स्त्री और हत्यारे असंभव। संभव और असंभव के निर्णायक तो राजा है, और राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरे दास होने के नाते तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इस स्त्री का वध करो। लो इसे। हाँ, जो आज्ञा। जैसी नारी शिरोमणि और पतिव्रता पर ऐसा आरोप, ऐसा कठोर दंड, यह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। यह सब कैसे होता रहा थी? स्वामी, मैं यजमान से धन की भिक्षा मांगने जा रही थी कि राजकुमार के शव से मेरा पैर लग गया। मैं आश्चर्य से देख ही रही थी कि सैनिकों ने आकर मुझे पकड़ लिए और राजा के पास ले गए। राजकुमार के आभूषणों की चोरी और उसकी हत्या के अपराध में राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया। ये कैसा अनर्थ हो गया देवी? हम पर इस प्रकार प्रहार पर प्रहार क्यों हो रहे हैं? हम पर यह वज्रपात क्यों? परंतु दैव इच्छा के सम्मुख हम कर भी क्या सकते हैं?
अपने यजमान की आज्ञा का पालन करके मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। स्त्री हत्या का पाप भी करूंगा। ये दोष तो मेरा है स्वामी, आप अपना धर्म निभाइए और मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार कीजिए। तारामती, तुम मेरे सर्वस्व हो, अर्धांगिनी होकर तुमने मेरे जीवन को सजाया है, संवारा है, चरितार्थ किया है। तुम्हारे अटल विश्वास, श्रद्धा और सहयोग के बिना मेरा जीवन लक्ष्य अपूर्ण हो जाता। अपने कर्तव्य को पूरा करना इस हरिश्चंद्र का परम धर्म है, और अपने धर्म को ना निभाकर मैं तुम्हारा जीवन कलुषित नहीं करना चाहता। इस शिला पर बैठकर भगवान से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। पुरुषोत्तम, सत्यव्रती, वचनबद्ध श्री हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी होने का भाग्य जन्म जन्मांतरों तक मुझे प्राप्त हो, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। जाओ हरिश्चंद्र, अपनी धर्म पत्नी का वध अपने ही हाथों करने पर तुल गए, ये तो घोर पाप है। इससे तुम्हें प्राप्त होगा क्या? तृप्ति, आत्मतृप्ति। तृप्ति? इससे तृप्ति कैसे होगी? सत्य का पालन मैंने हर स्थिति में दृढ़ संकल्प से किया, अपना वचन निभाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। अपराधिन ठहराई गई पत्नी का वध करने में भी मैं संकोच नहीं कर रहा हूं। अपनी सच्चरित्रता प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को इससे उत्तम अवसर और क्या प्राप्त होगा? इससे बढ़कर तृप्ति और क्या होगी कि विधाता प्रदत्त जीवन को मैंने निर्मल और पवित्र ही रहने दिया। इतना वैरागी न बनो हरिश्चंद्र, जीवन के प्रति ऐसी निर्दयता, अपने कर्तव्य पालन की ऐसी निष्ठा मूर्खता नहीं है तो और क्या है? मेरा कहा मानो, मेरी मातंगी कन्याओं से विवाह कर लो, कह दो कि तुम्हें कोई ऋण नहीं चुकाना, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा। ऋषिवर, यही निर्णय मेरा अंतिम निर्णय है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं अपने कर्तव्य से विमुख होकर पाप नहीं करूंगा। धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य। तुम्हारा चरित्र दिव्य है, भव्य है। तुम आदर्शों के आदर्श हो, स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें रचकर पुनीत हो गए। तनिक वहां देखो, हे
किसने तुम्हारी पत्नी को खरीदा है? ये स्वयं शिव और पार्वती हैं, जो काल कौशिक और उनके पत्नी बनकर पृथ्वी पर उतरे थे। वो देखो, किसने तुम्हें दास बनाया है? वो स्वयं यमराज थे, जो वीर बाहु बने। इंद्रलोक में संपन्न समस्त देवताओं के सम्मेलन में सत्य के व्रत को लेकर जो तर्क वितर्क हुआ, उसी का फल है कि तुम हरिश्चंद्र से सत्य हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र, तुम्हारे कुलगुरु होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है। विश्वामित्र, अब तो मान गए ना कि सत्य का व्रत असंभव नहीं, संभव है। शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं ऋषिवर, स्वयं हमारा उदाहरण लीजिए। हम राजा से राजऋषि और राजऋषि से महर्षि नहीं बने, अब हम ब्रह्मऋषि भी बनकर दिखलाएंगे। तो फिर आपने उस दिन दांव क्यों लगाया? ब्रह्मऋषि, आप तो जानते हैं कि देवता सदा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, उत्तम और मानव के भाग्य का निर्णायक मानते आए हैं। उनका विचार है कि मानव सुगमता से प्रलोभनों के पाश में जकड़ा जा सकता है, उसके विश्वास, चरित्र और निष्ठा को पानी की तरह पिघलाया जा सकता है। परंतु हरिश्चंद्र ने प्रमाणित कर दिया है कि देवताओं की धारणा आधारहीन है और उनका दंभ खोखला। आप ही बताइए कि देवताओं में ढूंढने पर भी कहीं हरिश्चंद्र जैसा सचरित्र और सत्यव्रती मिलेगा? ये तो मैं पहले से ही कह रहा था। आप तो केवल कह रहे थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, हमने तो सिद्ध करके दिखलाया है आज। हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर हमने सृष्टि के सम्मुख सत्य, आदर्श और चरित्र का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हे हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम चिरस्थाई रहे। अपने आधे तपोबल के साथ आज हम तुम्हें तुम्हारा पूर्व वैभव, धर्म पत्नी और पुत्र लौटा रहे। रोहित, रोहित, यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। गायत्री के आशीर्वाद से कौशिक वंश का विश्वरथ विश्वामित्र बना। ये तेजस्वी और यशस्वी योद्धा राजा से राजऋषि, राजऋषि से महर्षि और महर्षि से ब्रह्मऋषि हुआ। अपने इस लक्ष्य सिद्धि के लिए जीवन भर वो संग्राम करता रहा। ब्रह्मा ने स्वयं प्रत्यक्ष होकर विश्वामित्र को ब्रह्मऋषि घोषित किया, परंतु विश्वामित्र का आग्रह था कि वशिष्ठ ही उन्हें ब्रह्मऋषि घोषित करें। जिस वशिष्ठ से ब्रह्मऋषि बनने की प्रेरणा उसे मिली, उसी वशिष्ठ ने समस्त देवताओं के सम्मुख मुक्त कंठ से विश्वामित्र को ब्रह्मऋषि घोषित किया। सृष्टि को उसकी देन अपूर्व है। उसने अपने तपोबल से गायत्री का साक्षात्कार किया। जिस राजा सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में आने से देवता रोक रहे थे, उसके लिए एक नया स्वर्ग ही रचा। भरत विश्वामित्र ही का पोता था, जिसके नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। देवता अपने को सर्वश्रेष्ठ और मानव को हीन मानते आ रहे थे। हरिश्चंद्र के जीवन के द्वारा विश्वामित्र ने प्रमाणित किया कि मानव होकर भी हरिश्चंद्र अपनी श्रेष्ठता का दम भरने वाले देवताओं से उत्तम एवं सद्गुणी है। बालक राम और लक्ष्मण को वन ले जाकर उन्हें धनुर्धारी और वीर शूर बनाया, उनसे ताटकी जैसे राक्षसों का वध करवाया। राम के चरण स्पर्श से शापग्रस्त अहिल्या को मुक्ति मिली। राम का विवाह सीता से संपन्न हुआ। इन सभी कल्याणकारी कार्यों का सूत्रधार विश्वामित्र ही है। राम सीता विवाह के उपरांत ब्रह्मऋषि विश्वामित्र
सप्त ऋषियों में से एक हुआ। विश्वामित्र का जीवन अनुपम, अद्वितीय और वंदनीय है। सृष्टिकर्ता, लोककर्ता, सर्वकारणकर्ता, विश्वामित्रो ब्रह्मवेत्ता, सृष्टि सृष्टि प्रतिख्याता, महावीरो महातेजो विश्वामित्रो